कंप्लीट सेट मिल जाएगा। तो ये जो सेट होता है इसका अल्टरनेटर कितना है? कॉपर का है। कॉपर का है, पूरा कॉपर कंप्लीट 7.5 किलोवाट लोड लेगा। लोड कितना लेगा? लोड 6 किलोवाट का लोड लेगा। सारे जनरेटर तैयार होते हैं भैया के, देख सकते हो। तो ये मोटर वोटर भी सारी यहाँ पे वाइंडिंग होती है जनरेटर की, ये देख सकते हो भाई। सारा ये इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है यहाँ पे, यहाँ होती है वाइंडिंग, यहाँ पे सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इधर वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग दिखाओ, इधर वाइंडिंग होती है भैया की। सारी यहाँ पे मोटरें जो हैं वो तैयार होती हैं। ये क्या है? पंपिंग सेट है किसानों के लिए, किसानों के लिए पंपिंग सेट। हाँ। ये कितने के पड़ते हैं? ये हमारा 27,000 का बैठता है। 27,000 का ये वाला बैठेगा तैयार। अच्छा, कैसे हो दोस्तों? आपकी काफी ज्यादा कमेंट आ रही थी कि भाई जनरेटर की वीडियो लाओ, जनरेटर की वीडियो लाओ। आज मैं आपको जनरेटर दिखाने वाला हूँ, एक से एक जनरेटर होने वाला है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर जनरेटर काफी सस्ते रेट से मिलने वाला है। गाजियाबाद के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, पूरी जनरेटर बनते हैं यहाँ पे। तो आइए सर से बात करते हैं किस किस रेट से इनके पास जनरेटर मिल जाते हैं। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ के ओनर। तो सर कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। तो ये जो जनरेटर होते हैं सारे अपने बनते हैं खुद? हाँ, खुद बनते हैं। क्या क्या अपने हैं, क्या क्या मिलता है पहले तो आप ये बताओ। पंपिंग सेट मिलता है, जनरेटर मिलता है। अच्छा, और क्या मिलता है? और स्पेयर पार्ट भी मिलते हैं सारे जनरेटरों के, सारे। तो अपने जनरेटर की स्टार्टिंग जो हो जाती है वो कितने रुपए से होती है? स्टार्टिंग 2 kVA से स्टार्टिंग होती है। 2 kVA से कितने का पड़ेगा? 2 kVA 30,000 रुपए। कौन सा वाला है? अभी तैयार नहीं है। अच्छा, तैयार करोगे वो 32,000 का पड़ेगा। अभी जो हम देख पा रहे हैं तैयार, ये कौन सा है? ये 5 kVA का है, 7.5 kVA का है। 5 kVA का कौन सा है? ये 5 kVA का है। ये वाला 5 का है, ये 5 kVA का होता है, डायरेक्ट इंजन के साथ होता है ये पूरा कंप्लीट। तो ये पूरा कंप्लीट कितने का पड़ता है? 45,000 का। 5 किलोवाट तक का लोड ले लेगा। क्या क्या चीज चलाएगा? 4 किलोवाट का लोड लेगा। हाँ, और कॉपर का होता है। अच्छा, सारे सामान नंबर 1 के लेके होते हैं। सारा सामान नंबर 1 का। क्या क्या चीज चलाता है? 4 किलोवाट में जो चीज आएगी वो चलेगा। एसी चल जाएगी? एक एसी चल जाएगा। एक एसी चल जाएगा नॉर्मल। हाँ। एक एसी चल जाएगा, बाकी घर का सारा लोड चल जाएगा इससे। ठीक है, ये होता है 5 किलोवाट। उसके बाद ये कौन सा वाला है? 7.5 का है। ये 7.5 किलोवाट है। हाँ। इसका क्या प्राइस रखा है आपने? 49,000। अच्छा, बहुत ही बढ़िया रेट में दे रहे हैं भैया, 49,000 में ये ले सकते हो, पूरा कम्प्लीट सेट मिल जाएगा। तो ये जो सेट होता है इसका अल्टरनेटर कितना है? कॉपर का है। कॉपर का है, पूरा कॉपर कंप्लीट 7.5 किलोवाट लोड लेगा। लोड कितना लेगा? लोड 6 किलोवाट का। 6 किलोवाट का लोड लेगा। हाँ। पूरा लोड नहीं डाल सकते, इंजन लोड मारता है। 7 kVA में और किलोवाट में अंतर होता है। अच्छा, किलोवाट में और केवीए में अंतर होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और कौन सा होता है अपने पास? ये पानी वाले होते हैं। ये पानी वाले हैं, ये पानी वाले जनरेटर है भाई। ये पानी वाला, इसमें अल्टरनेटर तो लगा हुआ है, मोटर वाला होता है? नहीं, वैसे ही है, इसके अंदर पानी घूमता है, 12 घंटे चला। अच्छा, पानी वाला अल्टरनेटर लगा हुआ है ये 12 घंटे चला सकते हो। और ये कितने घंटे चलेगा? ये 4-5 घंटे चला के रेस्ट देना पड़ेगा। ये 4-5 घंटे चला के रेस्ट देना चलेगा। ये भाई चला सकते हो आप नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप चलाओ इसे, और अपना बिजली बनाता है नॉन स्टॉप। ये कितने किलोवाट का होता है? ये 7.5 का है। ये 7.5 किलोवाट है, 7.5 किलोवाट का है। इससे हम 6 किलोवाट लोड ले सकते हैं, 6 किलोवाट। इससे तो एसी उसी सब चल जाएगा, चलेगा सारा एसी चलेगा, घर का सारा लोड चलेगा इससे। इसके बाद आ जाता है ये वाला, ये कितने का होता है? ये भी 7.5 का ही है। ये भी सेम ही है, 7.5। ये तीनों 7.5 के हैं। अच्छा, तीनों 7.5 के हैं। ये पड़ेंगे आपको 49,000 के, 55,000 के। अच्छा, सॉरी, 55,000 के पड़ेंगे। ये 55,000 रुपए के 7.5 किलोवाट के, मतलब पानी वाला होता है। 24 घंटे 12 घंटे चला सकते हो, 12 घंटे इसे चला सकते हो आप। ठीक है। अच्छा, अपने पास और कौन कौन से जनरेटर बनते हैं? 15 किलोवाट तक के बनाते हैं। 15 किलोवाट तक का, मतलब अगर कोई बोलेगा हमें बना के दे दो, आप बना के दे दोगे? बना के दे दो कंप्लीट। अच्छा, सबसे कम वाला कितने का अपने पास? 2 किलोवाट। 2 किलोवाट का, वो कितने का होता है? 33,000 का। 33,000 का 2 किलोवाट का मिलता है भैया के यहाँ, वो भी ले सकते हो आप। अच्छा, तो अपनी ये शॉप कहाँ पे पड़ती है? गाजियाबाद दिल्ली गेट। गाजियाबाद दिल्ली गेट। और क्या क्या सामान होता है अपने पास जनरेटर का? स्पेयर पार्ट रखते हैं, फील्ड मार्शल की एजेंसी है सारे। हाँ। अच्छा, सारे स्पेयर पार्ट होते हैं जनरेटर का। कुछ भी सामान स्पेयर पार्ट चाहिए, किसी को अपनी शॉप चालू करना है, जब भी भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। जनरेटर के सारे पार्ट यहाँ पर मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये 2-4 पार्ट आप जरा दिखाओगे क्या क्या चीज होती है अपने यहाँ? ये क्या होता है? ये लाइनअप स्टैंड है, फील्ड मार्शल का है। लाइनअप स्टैंड है, फील्ड मार्शल का। ठीक है, जनरेटर का, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या होता है? ऊषा का भी होता है। इसका क्या प्राइस होता है? ये तो 4200 रुपए का है। 4200 रुपए का है। और ये क्या होता है सामने? ऊषा का एयरकूल का है। एयरकूल का है ये। अच्छा, एयरकूल का है ये, बहुत बढ़िया। और इसके बैरिंग वगैरह सारे मिलते हैं? सब मिलते हैं। बैरिंग की स्टार्टिंग कितने रुपए से होती है? बैरिंग इसके अंदर ब्रास लगते हैं। अच्छा, ब्रास लगते हैं। और रिंग पिस्टन वगैरह, रिंग इसके, ये तो पिस्टन हो गया। रिंग ऊषा के मिल जाते हैं। ऊषा के मिल जाते हैं। रिंग कितने के होते हैं? रिंग एक तो स्टैंडर्ड के ऊपर है, किस साइज का चाहिए उस साइज के ऊपर डिपेंड, उस साइज के ऊपर मिलते हैं। तो सारा सामान इधर देख सकते हो दोस्तों, सारा सामान यहाँ पर मिलता है जनरेटर का। और ये जो शॉप पड़ती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे पड़ेगी आपकी। ये शॉप पड़ेगी भाई, इधर दिखाओ, ये पड़ेगी गाजियाबाद फ्लाईओवर के नीचे भैया की शॉप है। ये बराबर में कौन सा गेट है भैया? दिल्ली गेट। दिल्ली गेट, दिल्ली गेट के जस्ट बराबर में इनकी शॉप पड़ेगी। यहाँ पर आके ले सकते हो, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो सारे जनरेटर कहीं भी, ठीक है भैया भेज देंगे। नंबर भैया के स्क्रीन पे चल रहा है, निकाल के कॉल करो। का इसमें क्या है? ऑयल है। ऑयल कौन सा है? सर्वो। सर्वो का ऑयल है, ये भी मिलता है अपने यहाँ। ये सारे जनरेटरों में पड़ता है। कितने का पड़ता है ये? 600 रुपये। 600 रुपये का ऑयल है। कितने लीटर है? 3.5 लीटर, 600 रुपये का, बहुत बढ़िया। पंखा कौन सा है? ये सब जनरेटर में लगते हैं, फिल्टर में लगते हैं। कितने का आता है ये? 30 रुपये का। 30 रुपये का मात्र। और ये क्या होता है? ये सिलेंसर है। सिलेंसर है इसका। ये कितने का पड़ेगा? 250 रुपये का। 250 रुपये का। एक जेबी सिलेंसर है, ये वाला भी होता है 190 रुपये। 190 रुपये का ये वाला है, ठीक है। जनरेटर का XYZ सामान मिलता है, ऊपर तक देख सकते हो पूरा गोदाम भरा हुआ है सामान से, A to Z पैकिंग वगैरह सारा कुछ मिलता है, ठीक है। पैकिंग की स्टार्टिंग तो कम से होती है। हाँ। कितने रुपए से? हाफ पैकिंग की आती है 30 रुपये की आती है, 60 रुपये की आती है, ठीक है। तो ये सारा। अच्छा, हमें खेत के लिए जनरेटर वो इंजन चाहिए, वही मिलेगा? वही मिलेगा खेत के लिए। हमारे किसान भाइयों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे, सारे जनरेटर किसान भाइयों को भी मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी को पानी के लिए जनरेटर चाहिए खेत वाला, वो भी मिलेगा। वो कितने का पड़ेगा? वो मैं आपको गोदाम में दिखा देता हूं। गोदाम में दिखा दो। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं भैया के गोडाउन में। यहाँ पर सारा स्टॉक में माल रखा हुआ, सामने देख सकते हो पूरा जनरेटर एक से एक मिलेगा। यहाँ पर पूरा मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इधर देख सकते हो पूरे जनरेटर होलसेल रेट में मिलेंगे सब, ठीक है। इधर भी देख सकते हो आप सारे जनरेटर, सारा स्टॉक में माल है यहाँ पर अपना। ये जो एरिया है, ये जनरेटर जो रखे हैं सारा स्टॉक में रखे हैं यहाँ पर। ये क्या गोडाउन है अपना? ये गोडाउन है। अच्छा। ये कंपनी के फील्ड मार्शल ऐसा इंजन है। अच्छा। बिल से आते हैं और बिल से ही जाते हैं ये सारे। हाँ। अच्छा, ये सब कंपनी के हैं? सब कंपनी के, गुजरात से बने हुए हैं। और ये वाला अपना बनाती है? ये अपना बनाया हुआ है। ये अपना बनाया हुआ। हाँ। ये सारे कंपनी के जो रखे कट्टों में, अगर कोई कंपनी का लेना चाहता है तो कंपनी का भी मिल जाता है। कंपनी का क्या रेट है? कंपनी का 72,000 का बैठता है। 72,000 का। हाँ। ये वाला है वो? हाँ, फील्ड मार्शल। अच्छा, फील्ड मार्शल गुजरात की कंपनी के जनरेटर इधर रखे हुए हैं फील्ड मार्शल के, ये आप ले सकते हो। ये इसका थोड़ा रेट ज्यादा है, इसका कितना है? ये 72,000 का बैठता है। 72,000 का बैठता है। अच्छा, ये वाला? ये अपना 49,000 का, 5 किलोवाट का है। 5 किलोवाट का 49,000 का है। ये वाला ही तैयार होता है इधर अपने गोदाम में। ये एक बार गोदाम भी दिखाई, वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया दिखाई देते हैं। हमारा किराया का भी काम है। हाँ, किराया का सारा काम है। यहाँ पर सारे जनरेटर तैयार होते हैं भैया के, देख सकते हो। तो ये मोटर वोटर भी सारी यहाँ पे वाइंडिंग होती है जनरेटर की, ये देख सकते हो भाई। सारा ये इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है यहाँ पे। यहाँ होती है बाइंडिंग, यहाँ पे सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इधर बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग दिखाओ, इधर वाइंडिंग होती है भैया की सारी। यहाँ पे मोटरें जो हैं वो तैयार होती हैं, ठीक है। इधर वाइंडिंग होती है। तो आज पूरी मैन्युफैक्चरिंग पर आए थे, यहाँ पर जनरेटर तैयार होते हैं, यहाँ से जनरेटर आप ले सकते हो भाई। अच्छा, जो पानी वाले जनरेटर होते हैं वो कौन से होते हैं? पानी वाले ये होता है जनरेटर। ये क्या है? पंपिंग सेट है किसानों के लिए। किसानों के लिए पंपिंग सेट। हाँ। ये कितने के पड़ते हैं? ये हमारा 27,000 का बैठता है। 27,000 का ये वाला बैठेगा तैयार। अच्छा, और ये क्या है? ये इंजन एयर कूल्ड है। एयर कूल्ड। हाँ। ये कितने का पड़ेगा? ये खाली इंजन पड़ेगा आपको 18,500 का। ये सस्ते में बनाए हुए, सस्ते में बनाए हुए खाली इंजन 18,500 का। ये इससे क्या चीज चलेगी? जनरेटर चलेगा? नहीं, मिक्सर मशीन चलती है, मिक्सर मशीन वाले चलाते हैं। हाँ। पंपिंग सेट पानी निकालने के लिए जो नाले वगैरह भर जाता है उनके मतलब से। किसानों के लिए? किसानों के लिए पानी वाले होते हैं। पानी वाले होते हैं। अच्छा, वो आपने दिखाया वो वाला है। और ये क्या होता है? ये सब वही इंजन है। ये सब वही इंजन है। अच्छा, ठीक है। और ये क्या होता है भैया? ये फील्ड मार्शल का ऑयल है। फील्ड मार्शल का ऑयल है अपना। सारा जनरेटरों में ऑयल पड़ता है। ये गुजरात से आता है। गुजरात से आता है, ये भी ले सकते हो आप। ये क्या होता है? ये भी पंखे हैं। पंखे हैं सब, पानी निकालने वाले। हाँ। ये किसानों के लिए, किसानों का पूरा सामान मिलता है भैया, पूरा ध्यान रखा जाएगा किसानों का यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आके सारा सामान ले सकते हो भाई, किसानों का भी सारा सामान मिल जाता है। आप इधर आ सकते हो, इधर देख सकते हो। अगर किसी को जैसे भैया किसी चीज़ जनरेटर की रिक्वायरमेंट होगी, किसी पार्ट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तब भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, पार्ट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सलाह ले सकते हो। अगर बिजनेस किसी को चालू करना है तब भी भाई कांटेक्ट कर सकते हो। भैया का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, निकाल के कॉल करो। सारा माल होलसेल रेट में मिल जाएगा, सारे जनरेटर मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये होता है भैया का, देखो जनरेटर की कैटलॉग, कैटलॉग होती है ये। गुजरात का है। हाँ, गुजरात का है ये देख सकते हो आप। सारे जनरेटर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, निकाल के कॉल करो भैया को। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आपकी काफ़ी ज़्यादा कमेंट के अनुसार मैं यहाँ पर आया हूँ। जनरेटर की मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे जनरेटर तैयार होते हैं 5 किलोवाट 7.5 किलोवाट सारे जनरेटर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये साइलेंट जनरेटर नहीं है भैया के, साइलेंट वाले वो दूसरे होते हैं होंडा के, ये भैया खुद बनाते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, पूरा देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से किसी को जनरेटर लेना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर भैया के स्क्रीन पर चल रहे हैं, निकाल के कॉल करो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।